Kalau ini ni, asal. सरकार रहेगी या नहीं रहेगी छोटे, मगर इन सालों में सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि हम ये कह सकते हैं कि रियासत तरक्की कर रही, बल्कि रियासत के दो हिस्से अलग होने लगे, कश्मीर अलग हो रहा है, जम्मू अलग हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। ये रियासत तीन हिस्सों में है, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, और हमने हर वक्त इस रियासत को इकट्ठे रखना है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध जो भी रहने वाले हैं उनके साथ इंसाफ करके आगे चलना। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस में तीनों राजनीतियों के लोगों को बराबर लेकर चलने का, बिल्कुल बराबर ले जाना है और बराबर तरक्की कराना है। इस सरकार का हमारी क्या है? हमारी मुसीबत तो ये है कि जिस उम्मीद से इन लोगों ने गठजोड़ किया था उस उम्मीद में ये बिल्कुल फेल हो गए, ये अपनी लड़ाइयों में रह गए और अपनी लड़ाइयों में इस रियासत को इस हद तक नीचे गिरा दिया है कि काफी मुश्किलात आएंगे इसको वापस उस रेल पे लाने के। एक तो ये है, दूसरा ये है कि सबसे ज्यादा यहाँ पे लोग जो हैं बच्चे पढ़े लिखे बच्चियां बेकार हैं, ये सबसे बड़ा मसला है। इस मसले का हल बहुत जल्दी करना चाहिए। तीसरी चीज जो है कि 80 हजार करोड़ रुपया जो प्रधानमंत्री ने रियासत को दिया था उसके बारे में इनको लोगों को बताना चाहिए कि उस पैसे का खर्चा कैसे किया, क्योंकि अगर वो इतने करोड़ रुपया आया है उससे इस रियासत को उठना चाहिए। आज भी बिजली नहीं कई जगहों पे, सड़कें बुरी हालत में हैं, पानी का निजाम नहीं है। बताइए मुझे कि इतना अगर रुपया आके ये हाल हमारा है तो हम क्या उम्मीद करेंगे कि कल बेहतर होगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें सब लोग, वो जम्मू के हों, कश्मीर के हों, लद्दाख के, हमें इकट्ठे रहकर इस गुत्थी को सुलझाना है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो हालात हैं आपस में उसके लिए दुआ करनी है कि भाई ये दोस्त बन के रहें तो हमारी तरक्की भी हो। इसमें बहुत अच्छी चीज हुई कि हमारे हिंदुस्तान के जो जनरल रावत हैं और उनके जो आर्मी के चीफ हैं दोनों ने बहुत अच्छा, बाजवा साहब उनने बहुत अच्छा बयान दिया कि साहब बंदूक बंदूक से कुछ नहीं होगा, गोलाबारी से कुछ नहीं होगा, बातचीत से हम लोग हर मामला करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि मोदी जी जब अब वापस आएंगे बरतानिया और जर्मनी के दौरे के बाद कि वो इस पर गौर करेंगे और वो रास्ता इख्तियार करेंगे मौजूदा समय के हालात अच्छे हो। मौजूदा समय में केंद्र सरकार की जम्मू कश्मीर की सरकार चल रही है, उसको क्या कैसे भूमिका देख रहे हैं मौजूदा सरकार? केंद्र सरकार ही नहीं चल रही यहाँ, कौन सी सरकार? सेंटर क्या क्या रोल है इसमें, उसका क्या रोल रहा है इसमें? देखिए सेंटर का रोल क्या रहेगा, उनकी पार्टी है जिसको वो बचाना चाहते हैं, बीजेपी तो उन्हीं की पार्टी है, उसको बचाने के लिए पता नहीं वो क्या करेंगे, मैं नहीं जानता। डॉक्टर साहब हमेशा आपका प्रेम जो है जम्मू के लोगों के लिए रहा है, मगर उन्हें कभी पहचाना नहीं। मैं मर गया इनके लिए काम करते करते, पता नहीं क्या हो गया मेरा, मेरे ख्याल से मुझे मंत्र दूसरे पढ़ने। आपका प्यार जो है हमेशा जम्मू के लोगों के लिए, आप हमेशा जम्मू के लोगों की हमेशा आपने बात की। जो इस वक्त धर्म और राजनीति की ये जो पॉलिटिक्स चल रही है और इस केस के अंदर जो अभी हमारा 8 साल बच्ची का ये चल रहा है, आप क्या समझते हैं कि इस पर सीबीआई इंक्वायरी की मांग जो है जम्मू को लोगों को देख के होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए?
देखिए मैं आपसे ये कहूंगा, अब मामला कोर्ट के अंदर है और क्योंकि सब जूडिस है, अब ये कोर्ट फैसला करेगा। जब उनके सामने ये आएगा सारा गुत्थी खुलेगी, अगर कोर्ट ये समझेगा कि साहब इसमें कमी है और इसमें सीबीआई की इंक्वायरी करनी पड़ेगी, ये कोर्ट तक है, अब ना ये मेरे तक है ना ये जो संघर्ष कर रहे हैं इन तक। देखिये मैं उनसे ये करूंगा, या तो उनको कोर्ट पे भरोसा होना चाहिए, अगर उनका कोर्ट पे भरोसा है तो कोर्ट तक छोड़ दीजिए, वो देखेंगे कि अगर इंक्वायरी सही है वही फैसला करेंगे। जो हमारा तो यही है कि भैया जो बेगुनाह है उसको छोड़ दीजिए और जो गुनाहगार है उसको फांसी दीजिए। हम तो ये कहते हैं उसको फांसी देनी चाहिए और ऐसा कानून बनाना चाहिए हमें अपनी असेंबली में, या ये कर सकते हैं गवर्नर साहब को एक ऑर्डिनेंस कर सकते हैं जिसमें ये वो बिल लाएं और फिर असेंबली में वो